इन दिनों राहु केतु के राशि परिवर्तन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कुछ पंचांगों में शायद 7 या 8 मार्च को राहु केतु का राशि परिवर्तन बताया गया है। ये जो 7 और 8 मार्च जो भी है उस पे जो राशि परिवर्तन जो दर्शाया गया है वह राहु केतु की एक औसत गति जो है 3 कला 11 विकला प्रतिदिन उसके अनुसार है। और हमारे यहां जो है जो गणित आधार है इसका ज्योतिष का जिसको वैज्ञानिक आधार बोलते हैं उसमें जो आयनांश है चित्रा पक्ष आयनांश को हम जो उसका बेस लेकर उसका बुनियाद लेकर जो गणना होती है जिसके अनुसार पंचांग में ग्रहों की राशि परिवर्तन दर्शाया जाता है उसके अनुसार जो राहु केतु की गति जो है ये जो औसत गति न होते हुए राहु केतु की गति बदलती है और एक्चुअल जो सही गति है उसके अनुसार 23 मार्च को दिन में 11:38 पर राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये तो इसका एक तकनीकी भाग हो गया। दूसरा राशि परिवर्तन जो होता है ग्रहों का, अभी तो राहु केतु का हो रहा है तो हमारे ज्योतिष मित्र जो है राशि परिवर्तन के साथ जो है फलित करने लग जाते हैं समाचार माध्यम में, चाहे वो अखबार हो चाहे टीवी हो जैसे भी हो, कि इस राशि में इस ग्रह का ऐसा प्रभाव होगा, इसका अशुभ होगा, इसके लिए शुभ होगा। ये भ्रम की स्थिति निर्मित करने वाली बात है। अगर एक राशि के अनुसार ये अगर ग्रह बदलते हैं तो उस राशि को शुभाशुभ परिणाम मिलना ऐसा अगर फलित किया जा सकता है तो उसके मूल और जन्मस्थ ग्रह का क्या होगा, फिर उसकी मूल कुंडली का क्या है। गोचर का महत्व है अपने जगह, गोचर से फलित किया जा सकता जाता है लेकिन उसके मूल जन्मस्थ ग्रह योग देखकर और उसकी आयु कितनी है व्यक्ति की, उसकी दशा क्या चल रही है और ये जो ग्रह बदल रहे हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो उसके कुंडली में किस स्थान से आ रहे हैं, वो जन्मस्थ ग्रहों का उनसे क्या संबंध है, ये पूरा देखे बगैर खाली राशि परिवर्तन को लेकर इस तरह से बातें करना और किसी को शुभ बताना किसी को अशुभ बताना ये गलत है। इससे तो क्या होता है कि ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिक आधार पर तो प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता ही है, साथ में उन लोगों को बल मिलता है जो ये कहते हैं ज्योतिष विज्ञान नहीं है। तो ऐसी भ्रम की स्थिति निर्मित नहीं करना चाहिए। अब एक साधारण जो है एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, अपने देश की जो है आबादी जो है 135 करोड़ के लगभग है। अब आप 12 राशियां हैं तो इसका अगर अपन औसत निकालेंगे तो ये जो है 11.25 करोड़ एक राशि का व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये शुभाशुभ परिणाम जो आप बता रहे हो ज्योतिष मित्र जो बता रहे हैं तो क्या 11 करोड़ 11.25 करोड़ लोगों को एक जैसे ही परिणाम मिलेगा, ये संभव है? इस तरह के ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। राशि परिवर्तन हो रहा है और फलित भी करना हमको, और फलित के लिए गोचर का महत्व है लेकिन उसके जन्मस्थ ग्रह योग वो सारी गणना करने के बाद फलित करना चाहिए। ये खाली एक राशि परिवर्तन से, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं तो मेरे पास भी लोगों के फोन आ रहे हैं कि ये राशि परिवर्तन हो रहा है तो हमारे राशि को क्या, नहीं भैया पूरी जन्म कुंडली के अनुसार जो उसके ग्रह योग हैं उसके अनुसार इसका क्या महत्व हो सकता है, क्या उसका असर हो सकता है, वो क्या फल देंगे, यह जन्मस्थ ग्रहों से उनका क्या संबंध है, वो जन्म कुंडली में किस स्थान पे आ रहे हैं, ये सब देख के किया जाना चाहिए। यह भ्रम फैलाने वाली स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। और मेरा आम जन से भी निवेदन है कि ये खाली पढ़ के और आप भ्रम में मत आइए, ये शुभाशुभ की कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या होता है किसी राशि को अगर अशुभ बता दिया जाता है तो बेचारा भयभीत हो जाता है, तो ये भयभीत नहीं करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।